गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अपनी क्लास में नया अक्षर आई से ऐनक। अभी तक हमने कौन कौन से अक्षर सीखे हैं? अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ई, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा। एक बार हम स्किप करेंगे। ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत भी छोड़ेंगे, अंग से अंगूर, अहगर खाली। तो हमारे स्वर के तीन व्यंजन रह रहे हैं, ओ से ओखली, औ से औरत और रे से ऋषि बाबा। ये तीनों अक्षर अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में नहीं आएंगे। आपको जितने अभी तक आई से ऐनक तक हुए हैं वही अक्षर की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र। जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। डाउन योर हैंड्स, ओपन योर आईज। तो ये अभी हमने बोला है गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र। अब मेरे साथ बोलेंगे काउंटिंग। फोल्ड योर हैंड्स, स्पीक। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन, वन फाइव फिफ्टीन, वन सिक्स सिक्सटीन, वन सेवन सेवेंटीन, वन एट एटीन, वन नाइन नाइनटीन, टू जीरो ट्वेंटी, टू वन ट्वेंटी वन, टू टू ट्वेंटी टू, टू थ्री ट्वेंटी थ्री, टू फोर ट्वेंटी फोर, टू फाइव ट्वेंटी फाइव, टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स, टू सेवन ट्वेंटी सेवन, टू एट ट्वेंटी एट, टू नाइन ट्वेंटी नाइन, थ्री जीरो थर्टी, थ्री जीरो थर्टी। तो ये अभी हमने बोली है काउंटिंग वन टू थर्टी। अब मेरे साथ बोलेंगे इंग्लिश राइम टू लिटिल हैंड्स। तो मेरे साथ बोलेंगे टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल फीट गो टैप टैप टैप, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, वन लिटिल हेड गो साइड बाय साइड। ये है हमारी इंग्लिश राइम। अब मेरे साथ हिंदी राइम बोलेंगे जो कि न्यू है आपके लिए। हिंदी राइम कौन सी बोलेंगे आप? लाल बत्ती। ओके, कौन सी राइम बोलेंगे? लाल लाल बत्ती बोलेंगे जो कि ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड है। तो बोलेंगे लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुक गए हम, पीली कहती होशियार, रुकने को हो जाओ तैयार। ओके, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुक गए हम, पीली कहती होशियार, रुकने को हो जाओ तैयार। लाल बताए हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ।
वापिस से बोलेंगे मेरे साथ, लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुक गए हम। पीली कहती होशियार, रुकने को हो जाओ तैयार। हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ये थी राइम, हिंदी राइम। अब जीके के 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने, इनमें से 1 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी लर्न किया था। कौन सा? Which animal is called of king of forest? Which animal is called by king of forest? कौन सा होता है king of forest? Lion. Which animal is called king of forest? Lion. अच्छा, which animal jumps tree to tree? Which animal jumps tree to tree? कौन सा animal होता है जो tree पे jump करता है? Monkey. Which animal jumps tree to tree? Monkey. Okay. King of forest, lion. Which animal jumps tree to tree? Monkey. ये आपको questions learn करने हैं। अब हम करेंगे written. Written में अपना नया अक्षर करेंगे हम। I से ऐनक। ऐनक के लिए भी 3 dots, जैसा कि हमने A से AD में लगाए थे। Yes, क्या करेंगे? Standing line, slanting line, और फिर यहां से कर बनाते हुए डॉट से मिला देंगे और इसके हेड पे slanting line और balloon। अब बेटा देखो, कई बच्चे A से AD में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सेम वो इसमें भी करेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ कि वो क्या मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी। क्या मिस्टेक है वो? बच्चे कर रहे हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, ये कि जब ये वाला कर्व बनाना है हमें, तो वो क्या कर रहे हैं, यहां से यू, नो, ये कर्व नहीं बनाना है। क्लियर आपको? ये कर्व यहाँ पे रोंग होगा। क्या करना है आपको? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अब आपको इस लाइन से टच करते हुए पेंसिल रखो और उसको ऐसे ही ड्रॉ करो बेटा। कर्व मत करो, यहां से यू मत घुमाओ, यहां से स्टैंड में होते हुए स्लैंटिंग लाइन के थ्रू जाओ, फिर ऊपर स्लैंटिंग लाइन और बलून। देखो, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे करो स्लैंटिंग लाइन जैसे जाती है वैसे। स्लैंटिंग लाइन करते ना ऐसे, इसी तरीके से स्लैंट में कर्व बनाना है। प्रॉपर कर्व नहीं बनाना, अगर प्रॉपर कर्व बनाओगे तो आपका कर्व ऐसा बनेगा जो कि हमें नहीं बनाना है। क्या करोगे? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये कर्व और हेड पे बलून, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और ये कर्व, हेड पे बलून, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, हेड पे बलून, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, हेड पे बलून। बलून कैसे होता है? वैसे इसको हम मात्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मात्रा। ए से एडी पे जब सिंगल मात्रा लगती है, एक मात्रा लगती है, तो वो हो जाता है आई। ए से एक मात्रा लगेगी तो क्या होगा? आई। उसी तरह ओ से ओखली पे भी, वो चलो खैर आपका बात का टॉपिक है, ये है आई से ऐनक। तो आज आपने सीखा है नया अक्षर आई। आई से ऐनक। मात्रा आपको लगानी आती है, आपको क्या करनी है, पहले स्लैंटिंग लाइन, फिर बलून बनाना है,
बस ये हो जाएगी मात्रा। ए से डी पे मात्रा लगेगी तो आई से ऐनक। आपको ये वर्क अच्छे से करना है और मुझे सेंड करना है। बाय।